शुभम कूदिए एक बार, कूद तो सही। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी अभी जस्ट भाई हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर पर और नीचे से आए भाई माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके। और भाई इतना थक गए ना, रात के 1:30 बजे हैं सच्ची में, सीढ़ियों से आए हैं वैसे भी सीढ़ियों से, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब चलते हैं भाई प्रसाद लेकर और भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, उसके बाद भाई नीचे उतरने की तैयारी करेंगे। प्रसाद ऑन भैरव बाबा। तो गाइस फाइनली भाई भैरव बाबा का प्रसाद ले लिया और चलते हैं, और साथ में भाई काला धागा। चलो तो ये रहा गाइस भैरव बाबा का मंदिर, और अभी हम चलते हैं भाई वहाँ से, तो वहाँ से एंट्री होगी उधर है, हाँ वो रहा एंट्री गेट। चलो शुभम भाई जा रहे हैं और भी एक भाई भाई यहाँ पे खड़े रहेंगे, हमारे सामान का ध्यान रखेंगे। बैग लेके जाएगा भाई, दिमाग चल रहा भाई, इतना ट्रैवल कर लिया ना। विवेक इसे पकड़ ले, चलो। तो गाइस फाइनली भाई हम तो दर्शन करके आ रहे हैं और प्रसाद भी चढ़ा दिया। अब रह गए विवेक भाई, देखो बैठे हैं भाई यहाँ आराम से, थक रहे हैं भाई, इनकी भी गलती नहीं है, सब थक रहे हैं, हम भी थक गए। तो भाई फिलहाल निकल लिया भाई हम दर्शन करके भैरव बाबा के यहाँ से भी, लेकिन हम जहाँ से आए थे भाई वहाँ से नहीं जा रहे हैं, एक दूसरा रास्ता जाता है भाई उनके पीछे से, तो वहाँ से जा रहे हैं। और एकदम से सर्दी हो गई भाई, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। तो गाइस फाइनली भाई हमने 8:15 तक भाई आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है, और ये आप यकीन नहीं करोगे पूरा 1 घंटे में, कितना था 1 घंटे में ना भाई, पूरा 1 घंटे में हमने कहाँ से भैरव बाबा से भाई डायरेक्ट हम अंतवारी आए भाई 1 घंटे में, इतना मतलब थक ही रहे ना, बिल्कुल रुके भी नहीं, हमें तो आराम आराम से कह रहे थे रुकते ही नहीं है भाई, तेज़ी में चल रहे थे। और अभी चलेंगे हम नीचे अपना रूम, और ऊपर इतनी ठंड थी ना भाई, मेरा इमरजेंसी के लिए भाई टोपा पहन लिया, इतनी ऐसी हवा चल रही थी इसीलिए भाई टोपा पहन लिया, और सुंदर भी लग रहा है भाई, अक्षित का टोपा है, अक्षित का टोपा लेके आया था मैं। तो भाई अभी रुके थे मसाज करवाने के लिए, हाथ पैरों में शरीर भाई बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, थोड़ी मसाज हो जाए तो भाई अपने को रिलैक्स मिल जाए हाथों पैरों को। चलो भाई मसाज करवाते हैं, देखो भाई कैसे लगे बड़े दोनों। विवेक भाई ये क्या हो रहा है भाई, इधर शुभम को देखो। तो गाइस मसाज भी करवा ली और थोड़ा रिलीफ मिला भाई शरीर को, क्योंकि मैं ना थक गया था ना, बहुत ज्यादा थक गए थे। तो गाइस फिलहाल दोपहर के बज रहे हैं 12, और भाई हम सुबह ही आ गए थे भाई, सुबह 6 बजे हम नीचे उतर आए थे भाई भैरव बाबा से। और ये देखो भाई विवेक ने क्या किया यहाँ पे बेड पे ही, मतलब भाई गंदी बात है, मानता हूँ भाई थक रहे हो तुम, लेकिन ऐसा क्यों कर दिया भाई तूने? मैं क्यों करता भाई, तेरा ही काम है भाई वो, पानी गिर रहा था, तेरा काम है वो, जग का पानी गिरा है भाई, पानी पड़ा है। और भाई सबसे लेट तैयार हो रहे हैं, सबसे लेट फोन में लगे रहते हैं इंस्टाग्राम में, विवेक भी तैयार हो गया लेकिन शुभम नहीं हुआ, सबसे पहले मैं तैयार हुआ था। तो अभी हम चलते हैं भाई खाना खाने के लिए, और उसके बाद देखेंगे भाई घूमने के लिए कहाँ जाना है। कहाँ जा रहे हैं हम घूमने के लिए? अभी देखते हैं वहाँ चलते कौन सी जगह बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो गाइस फिलहाल निकल लिए हम अपने रूम से और अब जाएंगे हम खाना खाने के लिए। तो चलो सुबह इस पहुँच गए रेस्टोरेंट पर, अभी दो छोले भटूरे की प्लेट मिल गई। तो आ गए भाई अपने छोले भटूरे, तो खाना पीना भी हो गया है गाइस और पेट भर गया अपना, और अब हम जा रहे हैं भाई बाबा दर्शन मंदिर, एक और मंदिर है प्राचीन मंदिर है, काफी अच्छा मंदिर है, तो हमें जा रहे हैं। तो पहुंच गए हैं फ्रेंड्स हम बाबा धारेश्वर के मंदिर पर भी, और भाई व्यू देखो, व्हाट अ ब्यूटी, और ऑटो रिक्शा ही खट गया यहाँ पे सब, तो चलते हैं यहाँ से जाना है। और गाइस ये देखो भाई नदी निकल रही है बीच में से पहाड़ों के बीचों बीच, और यहाँ पे लिख रहा है बाबा धनसर मंदिर एंड शिव गुफा, शिव गुफा भी है, तो चलो चलते हैं देखते हैं भाई कैसी शिव गुफा है। चलो उधर पानी की आवाज़ आ रही है भाई, यहाँ पे झरना है। हाँ
ये रहा गाइस इधर से आ रहा है, इधर से भाई कहाँ से आ रहा होगा वैसे पहाड़ों में से ऊपर से। और भाई क्या ही मतलब फ्रेश पानी है, बिल्कुल ग्रीन वाटर है भाई, सच्चे में ग्रीन वाटर बिल्कुल प्योर भाई। ये प्योर वाटर होते हैं, हम इसको पी भी सकते हैं, जो पहाड़ों का जो पानी होता है बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है। तेरा गाइस मंदिर सामने, कहाँ से आ रहा है भाई पानी पता ही नहीं लग रहा भाई, पहाड़ों के बीच से आ रहा है। और अब चलते हैं भाई शिव गुफा पे, शिव गुफा भी है यहाँ पे। अबे भाई ये रही सामने, शिव गुफा में भी घूम भाई, उसके बाजू में झरना है भाई, ये किसी के बाजू में। ठीक है तुझे फेंक दूँ इसमें, अभी देख तुम दोनों को फेंक दूँ इसमें, देख लो तो भाई। फाइनली भाई यहाँ पे भी दर्शन कर लिए हैं, और गुफा थी भाई उसमें भी घूमा मैं, और फोटो वोटो क्लिक भी कर लिए। और अब चलते हैं भाई यहाँ से सीधा रूम पे, बिकॉज भाई अंधेरा होने वाला है, पहाड़ों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो भाई हम जाने वाले थे, यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन एक लोकेशन और मिलती है भाई हमको इधर से भाई, यहाँ से तो जाना जा रहा है, और वो भाई पहाड़ों का पानी नदी से जा रहा है। तो विवेक भाई और शुभम भाई जिद करने लगेगी, यहाँ पे भी चलते हैं, चलते हैं गाइस। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा भाई, हाँ जी जरा जीना इतने बड़े बड़े पत्थर भाई, और भाई पानी का फ्लो देखो, और वहाँ देखो सामने इतने बड़े बड़े पत्थर। शुभम कूदी एक बार, कूद तो सही, डुबकी मार ले चल, विवेक कूदना एक बार विवेक भाई के तो भाई फोटो ही नहीं खत्म हो गए दे रहे, विवेक तेरे फोटो ने मार गए रे भाई हम। तो गाइस हालत खराब है, तो गाइस मंदिर से भी लौटा है और पसीना आ गया भाई पूरा। और अब चलते हैं भाई सीधा रूम पे,